Hello everyone, welcome to Help for Special. I am Hitanshi. Today we came with new activities that you can do with your children in this lockdown. So आज हम लेके आए हैं आपके लिए new activities जो कि आप अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं. ये waste material से बनी है. So let's start the activity. आज मैं दिवांश के साथ हूँ. दिवांश से हाय. हाय. आज मैं छत पे हूँ, एक टेरेस पे, जो कि आप घर में भी ये एक्टिविटी कर सकते हो. ये एक्टिविटी ग्रॉस मोटर को इम्प्रूव करेगी, आई हैंड कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करेगी एंड फाइन मोटर आल्सो. सो लेट्स स्टार्ट द एक्टिविटी. दिवांश, आपको क्या करना है, आपको इस पे जंप करना है, देन अगेन जंप करना है, फिर आपको ये आगे लेकर आना है मैट को. ये एक्टिविटी मैट्स के साथ हो सकती है, आप अपने घर में भी कर सकते हो. लाइक दिस. वेरी गुड दिवांश, वेरी गुड. देखो, इसमें फाइन मोटर इम्प्रूव हो रहा है, ग्रॉस मोटर इम्प्रूव हो रहा है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव हो रहा है, और ये ब्रेन बूस्टर एक्टिविटी है. वेरी गुड दिवांश, वेरी गुड. एंड स्टॉप. सो आवर नेक्स्ट एक्टिविटी इज बेस्ड ऑन होपिंग, एंड ये आपकी एक्टिविटी ग्रॉस मोटर में इम्प्रूव करेगी आपको. और मैंने बस कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ कलरफुल शीट्स ली हैं. आप देख सकते हो कलरफुल शीट्स से मैंने पैटर्न्स बनाए हुए, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट. ओटी में आपका मेन जो फोकस होता है राइट और लेफ्ट का होता है, तो आज हम वही एक्टिविटी करेंगे. आप अपने घर में ईजिली ये कर सकते हो. आप न्यूज़पेपर भी यूज़ कर सकते हो, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो. तो अब हमें क्या करना है दिवांश, हमें जस्ट वॉक करना है. जो भी मैं आपको बोलूंगी, वॉक वॉक स्ट्रेट 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 राइट स्ट्रेट देन अगेन स्ट्रेट देन लेफ्ट देन स्ट्रेट देन स्ट्रेट देन स्टॉप कम बैक. आ जाओ, वापस आओ. ये एक्टिविटी आप अपने बच्चे के साथ 3-4 दिन ऐसे ही करिए, जिससे कि आप उसको पता चल जाए कि राइट और लेफ्ट का क्या है. देन हम इसको ब्लाइंड फोल्ड बनाएंगे. अब ब्लाइंड फोल्ड में देखेंगे कि ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. तो स्टार्ट करते हैं. मैंने इसको ब्लाइंड फोल्ड पहना रही हूँ. तो मैंने इसको ब्लाइंड फोल्ड बना दिया. अब जब तक ये मेरी जब मेरी कमांड सुनेगा, उसी में ही ये मूव करेगा. मूव स्ट्रेट 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 राइट स्ट्रेट स्ट्रेट लेफ्ट स्ट्रेट स्ट्रेट स्टॉप. आप इस एक्टिविटी को आप यू टर्न में भी करा सकते हो. आप इजीली घर में आपके ये सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, तो आप अपने घर में कर सकते हो. सो आर नेक्स्ट एक्टिविटी इज ऑल्सो अ ब्रेन बूस्टिंग गेम. ये मैंने मैच बॉक्सेस लिए हैं जो हमारे घर में वेस्ट हो जाते हैं, मैचेस ख़त्म हो जाती है और हम फेंक देते हैं, तो हम उसको कैसे रीयूज कर सकते हैं वो है. मैंने इस पर कुछ फिगर बनाई है, फिगर पेस्ट करी है प्रिंट आउट लेके, इसके अंदर वाले बॉक्स में भी, इसके बाहर वाले बॉक्स में भी. तो अब दिवांश को क्या करना है, दिवांश को सर्च करना है कि कौन सा किसका बॉक्स है, मैच करना है. इससे क्या हो रहा है, विजुअल डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है बच्चा, आई हैंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है एंड फाइन मोटर ऑल्सो, कि कैसे किसके कैसे अंदर जाएगा वो फाइन मोटर इंक्रीज हो रहा है बच्चे का. तो स्टार्ट करेगा दिवांश. दिवांश, आपको क्या करना है, इसको सर्च करना है. देखो ये वाली फिगर कहाँ पे है, इसमें सर्च करो ये वाली फिगर. वेरी गुड, डालो इसके अंदर. देखो ऐसे आप एक्टिविटी अपने घर में बच्चों के साथ करा सकते हो, बहुत इजी एक्टिविटी है. चलो और बाकी करो जल्दी से. ऐसे एक्टिविटीज आप घर में करा सकते हो, बहुत इजी एक्टिविटीज हैं और बच्चे एंजॉय भी करते हैं इन एक्टिविटीज को. वेरी गुड दिवांश, दिवांश के 3 हो भी गए पेयर. वेरी गुड, करो करो. वेरी गुड वेरी गुड. ये क्या है दिवांश? स्टार. स्टार, देखो ध्यान से. वेरी गुड, ये ढूंढो.
वेरी गुड. आपको देखने में बहुत इजी लग रहा होगा, ये एक्टिविटीज़ बहुत इजी हैं, बट ये एक्टिविटी एक्चुअली में बहुत इजी नहीं होती हैं. बच्चे को डिस्क्रिमिनेशन इंक्रीज़ करती है, इम्प्रूव करती है, जिस बच्चे को नहीं पता चल रहा. बिकॉज ये देखिए ना, आप सिमिलर ट्रीज़ हैं बट थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन है, तो आप ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ बना सकते हो जिससे कि बच्चे को डिस्क्रिमिनेशन इम्प्रूव हो जाए. वेरी गुड दिवांश. ये नहीं आ रहा इसके अंदर. देखो आपने क्या गलती करी है, आपने उसका इसके अंदर डाल दिया. जैसे ये कंफ्यूज हो गया, वैसे आपके बच्चे भी कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आप इस एक्टिविटीज को घर में कर सकते हैं. हाई फाइव. आवर नेक्स्ट एक्टिविटी इज, मैंने कुछ पैटर्न्स लिए हैं जो मैंने वर्कशीट पर ड्रॉ कर दिए हैं, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस. तो यह एक्टिविटी बेसिकली ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव हो रहे से. मैंने कुछ बॉटल कैप्स ली हैं जिनको मैंने पेंट कर दिया है. इसमें इस एक्टिविटी में बच्चे का लेफ्ट एंड राइट ब्रेन यूज़ हो रहा है एंड लेफ्ट एंड राइट हैंड यूज़ हो रहा है. अब आपको दिवांश करके दिखाएगा कि क्या एक्टिविटी है. दिवांश कौन सा कलर है बताओ, सर्च करो जल्दी से इस पर लगाओ. यस, वेरी गुड. अब ये दोनों हैंड्स को यूज करते हुए ये पैटर्न पे अपना रन करेगा. चलो दोबारा से करेंगे. इससे क्या हो रहा है, बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव हो रहा है. वेरी गुड. नेक्स्ट करते हैं. वेरी गुड. देखो देखो ध्यान से देखो. चलो. वेरी गुड, वेरी गुड. रेड एंड येलो, यहां से. वेरी गुड. इससे बच्चे का फाइन मोटर एंड आई हैंड कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो रहा है. ऐसे ही आप कुछ पैटर्न्स ले सकते हो जो आप अपने घर में बच्चे के साथ करा सकते हो. Hostel facility available for children with special needs, autism, learning disability, intellectual disability, Down syndrome and other disorders at Holy Heart Special School in Dwarka Mode, Delhi. Learning today, leading tomorrow. Next activity is our imitation activity. These blocks. सिंपल ब्लॉग्स हैं, कलरफुल ब्लॉग्स हैं. ये आपको अमेजोन पे मिल जाएंगे. अगर आपको नहीं मिल रहा तो दिए गए लिंक पे आप क्लिक कर सकते हो, आप ले सकते हो आप अमेजोन से. मैंने कुछ ये पैटर्न बनाया है, ये सेम पैटर्न दिवांश बनाएगा. दिवांश फॉलो करेगा. दिवांश बनाओ, देखो सेम कलर. इससे क्या हो रहा है, बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव हो रहा है, बच्चा कलर कंसेप्ट सीख रहा है और बच्चे का ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी भी है. ये बिल्कुल इनिशियल लेवल पे है, इसके बाद आप टफ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड लेवल. वेरी गुड. कलर नेम तो बोलते जाओ साथ साथ. ऑरेंज, ऑरेंज, ग्रीन. वेरी गुड. वेरी वाइट. देखिए ऐसी एक्टिविटीज आप घर में भी कर सकते हो. चलो हम इसको थोड़ा टफ बना देते हैं, थोड़ा गैपिंग कर देते हैं. दिखाओ दिखाओ दिखाओ. एक सेकेंड. ये कुछ मैंने थोड़ा डिफिकल्ट करा है बच्चे को, कि बच्चा अब देखेगा कि कौन सा हॉरिजॉन्टल वे में है, कौन सा वर्टिकल वे में है. वेरी गुड. हाई फाइव. वेरी गुड. अब हम इसको थोड़ा और टफ बनाएंगे. दिवांश मेक दिस फिगर लाइक दिस, जल्दी से. वेरी गुड, वेरी गुड. ये आपको जितना देखने में इजी लग रहा है उतना इजी है नहीं. एक सेकेंड दिवांश मेक इट. बनाओ जल्दी से बनाओ. वेरी गुड. उसके नीचे ही रखना उसको जो आप बना रहे हो. वेरी गुड.
तो ये थोड़ा टफ कर दिया है कि मैंने कुछ फिगर बना दी है और उसको ये देखकर बनाएगा। Devansh ने फिगर्स बना ली ना, वेरी गुड। तो ये देखने में आपको बहुत ईजी लग रहा है बट ये है नहीं, इसमें बच्चे का प्रॉपर आई हैंड कोऑर्डिनेशन होगा और ब्रेन प्रॉपर यूज होगा। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी, ये स्टडी टेबल है जो कि ऑलमोस्ट सबके घरों में होती है, बच्चे पढ़ते हैं इस पर बैठ के। ये वही ब्लॉक्स हैं जो मैंने अभी लास्ट एक्टिविटी में यूज़ किए थे। अब इसको क्या करना है, ये इसने बास्केट ले रखी है छोटी सी नीचे दिवांश ने, और इसको कैच करना है। हम बचपन में ये सारी गेम्स खेलते थे, तो आप इसको देखो दिवांश, कैच करना है आपको। इससे क्या हो रहा है, बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव हो रहा है और बच्चा देखेगा कि कहाँ पे क्या आ रहा है। अगर आपको इनिशियल लेवल पे मतलब बताना है कि क्या कैसे करना है, तो आप ऐसे टैप कर सकते हो कि बच्चा फोकस करे। देखो रिवांश मिस कर दिया आपने। तो ये एक्टिविटी आप बहुत इजी एक्टिविटी है, ये आप घर में भी करा सकते हो। देखो आपने इतने सारे मिस कर दिए दिवांश। yes. जल्दी से कैच करो। तो ये एक्टिविटी आप घर में भी इजीली करा सकते हो। इसका नेक्स्ट लेवल मैं दिखाती हूँ आपको, ये थोड़ा नेक्स्ट टफ लेवल है। एंड मैंने क्या किया है, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस अगर आपके घर में आए हैं, न्यू आए हैं, या आप थर्माकोल वैसे भी यूज़ कर सकते हो, उसमें मैंने टूथपिक्स लगाई हैं कुछ पैटर्न में, और मैं ये फॉर्म फॉइल बॉल्स हैं, मैंने छोटी छोटी बॉल्स बना ली हैं जो हमारा रफ होता है। और इसको मैंने ये कप दिया है जो इसके लिए थोड़ा टफ हो गया, क्योंकि पहले बास्केट थी थोड़ी बड़ी थी तो इजीली कैच हो सकता था, अब इसके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा और इसको प्रॉपर देखना आई हैंड कोऑर्डिनेशन होगा। चलो स्टार्ट करें। दिवांश आर यू रेडी? दिवांश देखो इससे क्या हो रहा है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव हो रहा है, बच्चा देखेगा कि कहाँ से बॉल आ रही है। निवांश की कितनी हो गई बॉल्स कलेक्ट? 3। देखो देखो जल्दी से, वेरी गुड। तो ये एक्टिविटी आप घर में इजीली बना सकते हो, बहुत इजी एक्टिविटी है। तो नेक्स्ट एक्टिविटी इज मार्बल एंड दिस बोर्ड। बच्चे को क्या करना है, ये मार्बल, ये स्पून से एक मार्बल उठाना है और इसमें इसको रखना है, ऐसे करना है। तो दिवांश आर यू रेडी? चलो स्टार्ट करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, फाइन मोटर इंक्रीज हो रही है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, दूसरा हैंड नहीं लगाना, वन ही उठाना है, ठीक है, आराम से, रुको आराम से। चलो नेक्स्ट, वेरी गुड, वन आराम से। आई हैंड कोऑर्डिनेशन इंक्रीज हो रहा है, इससे ब्रेन बूस्ट हो रहा है, आराम से उठाओ आराम से। तो इट्स सो टफ, बच्चे के लिए थोड़ा टफ है ये एक्टिविटी। ये आपको अमेजोन पे मिल जाएगी अवेलेबल, या फिर किसी टॉय शॉप पे भी ले सकते हो आप। दिवांश का एक भी नहीं लगा, आराम से लगाओ, आराम से। कोई बात नहीं दिवांश। वेरी गुड दिवांश, वेरी गुड, वन ओनली वन। ये थोड़ा स्मार्ट है, एक के साथ तीन कर रहा है ये। ये एक्टिविटी आप इजीली घर में कर सकते हो और बच्चा इसमें बहुत एंजॉय करता है, प्रॉपर फन फील्ड एक्टिविटीज हैं ये। कोई बात नहीं, इट्स ओके। नेक्स्ट उठाओ जल्दी से, वन ओनली वन। वेरी गुड, स्पून जो मैंने लिया है ये स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप में है, जिससे कि बच्चे को थोड़ा सा टफ होगा, आप नॉर्मल स्पून भी ले सकते हो।
बहुत अच्छी फाइन मोटर एक्टिविटी है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगा, जिस बच्चे को नहीं है फोकस, अटेंशन स्पैन एंड ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी ऑल्सो. वेरी गुड. वेरी गुड, वेरी गुड. देखो इसका कितना फोकस लग रहा है, कितना ध्यान से ये एक्टिविटी कर रहा है. मजा आ रहा है दिवांश आपको? मजा आ रहा है दिवांश? आर यू एंजॉयिंग? दिवांश का सर दर्द हो गया. ओके दिवांश का फिनिश, दिवांश फिनिश. तो ये दिवांश ने लगा दी. तो ये लास्ट एक्टिविटी है. मैंने कुछ ग्लासेस लिए हैं, 10 ग्लासेस ले लो, 15 ग्लासेस ले लो, इट्स योर विश. मैंने उसके ऊपर कुछ स्माइली स्टिकर्स लगा दिए जो आपके घर में अवेलेबल होते हैं. तो ये गेम है बेसिकली जो हम बचपन में खेलते थे. मुझे ये दोबारा स्टिकर ऊपर लेके आना है. दिवांश स्टार्ट करें गेम? आर यू रेडी? करें? चलो मैम के साथ स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट. ओ दिवांश तो फर्स्ट आ रहा है. ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है जिससे कि बच्चे को स्टिकर दिख जाए और मोटिवेशन आ जाए कि वाओ मेरा आने वाला है. आई हैंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है, फाइन मोटर हो रहा है. और दिवांश जीत गया. वेरी गुड. देखो देखो विजिबल हो रहा है इसमें स्टिकर. एंड मैं भी जीत गई. हाय टेन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. प्लीज शेयर आवर वीडियो एज मच एज यू कैन क्योंकि आपके एक शेयर से हम जैसे बच्चों को न्यू एक्टिविटीज मिलती हैं. अगर आपके पास भी कोई न्यू एक्टिविटी है सो प्लीज शेयर विद अस. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स. बाय बाय.